क्या आपको भी चाहिए एक ऐसा माउस जो आपकी गेमिंग और एडिटिंग में एकदम बिंदास परफॉर्मेंस चाहिए? और क्या आपको चाहिए माउस अंडर 500 जिसमें वो भरपूर RGB इफेक्ट्स और एकदम कलर लाइट्स वगैरह सब कुछ? तो जेड ट्रांसफॉर्मर माउस है आपके लिए। बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला यह माउस आपको पड़ेगा 500 रुपये से नीचे। बॉक्स के साइड में आपको देखने को मिलता है जेड ट्रांसफॉर्मर की ब्रांडिंग, प्लस आपको यहाँ पर पीछे देखने को मिलता है 3200 का DPI USB से कनेक्ट होने वाला गोल्ड प्लेटेड USB और साथ में LED लाइट्स प्लस ब्रेडेड केबल्स और 6 DPI स्विचेस और 6 बटन्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया माउस है एकदम। तो चलिए अब इसको खोल के दिखाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक है, अच्छी है, और मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल एकदम बेकार है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, एकदम हाथ भी एकदम कंफर्टेबल बैठ जाता है। अगर आप लॉन्ग 10-12 घंटे पे चलाते तो इतना ज़्यादा मतलब कि आपको हेल्थ पे इशू नहीं होगा। प्लस इसमें आपको जो है मेटल की जो नीचे है प्लेट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक है, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकता और बुरा भी नहीं बोल सकता, एकदम मीडियम कैटेगरी का माउस है। तो मतलब क्लिक्स भी इसके ठीक ठाक ही हैं। इसमें आपको 6 स्विचेस मिल जाते हैं, एक तो आपका जो मेन जो दोनों क्लिक्स के होते हैं, प्लस जो आपका माउस व्हील होता है वो भी तो आपका एक बटन है अगर आप भूल गए हो तो। एक DPI चेंज का बटन होता है जिसमें 4 DPI कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, जो आपको मैनुअल में लिखे मिलेंगे कि कौन से DPI पे चेंज होता है। प्लस आपको यहाँ पे गेमिंग के लिए जो है लेफ्ट और राइट बटन देखने को मिलते हैं, मतलब जो साइड के बटन होते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है इसमें। और मतलब ठीक ठाक मतलब बिल्ड क्वालिटी कहूँगा। मेन माउस के क्लिक्स तो अच्छे हैं, बट जो ये जो गेमिंग के जो पीछे वाले हैं ये थोड़ा से ठीक है पर इतने अच्छे भी नहीं हैं। वैसे दिखता है एकदम बढ़िया, एकदम मतलब RGB जब चमक जाती है ना भाई, बहुत ही शानदार दिखता है। और दूर से भी ऐसा लगता है भाई क्या ही झिलमिला उठा है, एकदम बढ़िया माउस अपने को अंदर से लाइटिंग में तो एकदम गजब ही कर दिया है। बस आप इसे सिंक नहीं कर सकते, बस दिक्कत ये है, मतलब ये ऑटो लाइट है, आप इसकी बंद ना तो लाइट बंद कर सकते हो ना इसकी लाइट अपन एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, तो वो एक ही में रहती है, तो इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब आप एडजस्ट करने का ना दो वो चलेगा, पर एक ऑन ऑफ स्विच देना था, पर कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो चलेगा हमको कौन सा, एकदम ज़्यादा ही वोट जल जाएंगे इससे, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। सस्ते माउस में ऐसा होता रहता है, पर ओवरऑल ये माउस अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, आपके पास इतना बजट नहीं है, आपने हार्डवेयर पे ज़्यादा एकदम फोकस करा है, आपको माउस वगैरह एकदम लग जाए कि भाई थोड़ा ठीक माउस ले लिया भाई ने, तो ये माउस काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस ये अभी सेल में चलेगा तो आपको काफ़ी सस्ता मिल सकता है, और इसकी सेल लगती रहती है, अभी तो थोड़ा महंगा चल रहा है, ज़्यादा की नहीं लगती है, 50-60 रुपये की लगती है। तो अगर आपके लिए 50-60 रुपये मायने नहीं रखते तो आप ले सकते हैं ऐसे। इसका एक कंपेटिटर भी आता है जो है रेड गियर वाले में, तो रेड गियर का थोड़ा माउस की ट्रैकिंग अच्छी है, इसका सेंसर ठीक है वैसे, मतलब ऐसा भी कोई बुरा नहीं है, पर उसमें आपको RGB लाइट थोड़ी कम मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पर जो इसकी ब्रेडेड केबल है वो नहीं मिलेगी, और थोड़ा USB केबल में भी डिफरेंस आ जाता है मतलब क्वालिटी को लेके, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी और ख़राब है, बट उसका सेंसर अच्छा है, तो इस वजह से अगर आपको सिर्फ ट्रैकिंग अच्छी चाहिए तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मैंने आपको ये सब माउस दिखा दिए, तो ये है हमारी आज की ग्रैंड ओपनिंग जो मैं कर रहा हूँ। चलो तो बाय।